Students, come friends, myself Chaudhary Gaurav Malik, known as Gama Sir, Masters from IIT Kharagpur, and I am Gate Chemical Engineering faculty, having a 6 year intensive experience in teaching, and each and every year we are producing Gate rankers from our classroom only, not like others, because our main motto is to create rank, not to purchase ranks. And today my topic is only this, ki how the chemical coachings are cheating with the GATE aspirants, especially GATE chemical students, other branch also. But today I am here going to discuss specifically for chemical engineering students. Aaj hum baat karne ja rahe hain ki chemical engineering mein, kyunki har saal main bahut sare mails mujhe milte hain, har saal mujhe bahut sare logo ke message aate hain, aur students bolte hain ki sir केमिकल इंजीनियरिंग की ना तो सर कोई अप्रोप्रिएट कोचिंग है, ना ही कोई अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल है, और ना ही टेस्ट सीरीज है, और ना ही फैकल्टी लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं या आराम से वहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लोग उन्हीं से पढ़वा रहे हैं कि सर कैसे क्या करें. ये मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, मेरे इतने सारे नोट्स शेयर करते हो. नियरली 20 से ज़्यादा सिटीज़ में मैंने क्लास ली है, 20 से ज़्यादा सिटीज़ में पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा हूँ. आप सब लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, उसी की बदौलत आज मैं आप सब लोगों के बीच में इतना अच्छा कर पाया हूँ. क्योंकि फैकल्टी सिर्फ एक स्टूडेंट, और मैंने हमेशा एक फैकल्टी और स्टूडेंट के जो बीच में गैप था कि स्टूडेंट डाउट पूछता हो, डरे, उस सारे को मैंने रिमूव किया है. और आई एम थैंकफुल टू यू, क्योंकि आप कभी मुझे फ्रीली कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे आराम से मैसेज कर देते हो और मैं आपके अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करता हूँ. तो सब पहले बात आते हैं कोचिंग पे कि सर कोचिंग में सर 400-400 बच्चे रहते हैं, इनकी सर इतनी हैवी फीस है सर, मेट्रो सिटीज़ में रहना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई बहुत ही रिच क्लास फैमिली को बिलोंग नहीं करता. और इसी के रिगार्डिंग इस साल मेरे पास 3-4 मैसेज स्टूडेंट्स के ऐसे आए कि मेरी आंखों से आंसू आ गए कि कैसे, मतलब स्टूडेंट्स कई बार, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है लेकिन उसके बीच में कई बार पैसा बाधा आती है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है. क्योंकि हम सब लोग भी, जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करते हैं. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करेंगे तो शायद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई. अपनी हम लोग ज़रूरतें पूरा करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए एक अच्छे से दिन रात मेहनत करके कुछ नाम कमाते हैं. हमारे पेरेंट्स एक अपनी बहुत ही जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसके में जोड़ जोड़ के हमारी फीस पूरी करते हैं, और उसके बाद हम कोई कोचिंग में एडमिशन ले और हमारे साथ अच्छा नहीं हो, तो फिर बड़ा अजीब लगता है कि यार हम लोगों ने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया और हमारा वो ट्रस्ट एकदम बेकार हुआ. बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं सर AIR 1-2 ये सब Under-10 वाली रैंक बहुत सारे कोचिंग छापते हैं, तो मैंने कई बार क्लास में इस चीज़ पर डिस्कशन भी किया है कि ये सब लोग रिजल्ट खरीदते हैं और ये कभी नहीं लिखते नीचे क्लासरूम का कौन स्टूडेंट है, टेस्ट सीरीज का कौन स्टूडेंट है, लेकिन लोगों को वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि यही रिजल्ट दे रहे हो. और इसी के चलते आज ये मैं यूट्यूब पे आने का, चैनल ओपन करने का, ये मेरा पहला इंटरेक्टिव सेशन है आप लोगों के साथ, और इसके बाद मैं चैनल्स पे यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहूँगा. पहले केमिकल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन की डालूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट्स की डालेंगे, और फिर धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि उन सब लोगों को भी हेल्प हो सके कि जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये चैनल लेके आया हूँ ताकि सारे लोगों की एक हेल्प हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि भोपाल में लास्ट ईयर मैंने एक छोटा सा एक वेंचर स्टार्ट किया था आप लोगों की और भोपाल के स्टूडेंट्स की हेल्प से, ERP इंजीनियर्स रैंकर पॉइंट. तो यहाँ पर तो मैं काफ़ी सारे जो वीक सेक्शन से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनकी तो मैं यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ कि अगर उनके फादर फार्मर है या वो फीस पे करने के लिए एबल नहीं है, तो उन्हें हम लोग 80% तक मैंने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है. लेकिन मैं हर शहर में, तो मेरी कोचिंग नहीं है हर शहर में, मैं एज ए फैकल्टी हूँ तो वहाँ तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, तो उसके लिए हर शहर में जाके मैं पढ़ा भी नहीं सकता. हर शहर के बच्चे भोपाल आ भी नहीं सकते, जो भोपाल आ सकते हैं वो धीरे धीरे अब आने लगे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आके कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो एटलीस्ट कभी उसकी पढ़ाई में ये सब चीज़ें फैक्टर ना हो कि मुझे अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, मुझे अच्छे कंसेप्ट नहीं मिले. तो जो हम क्लास में पढ़ाते हैं
it's my 100% confidence that I will deliver the same thing as I teach in class. Na ki old logo keh rahe ki 2-4 video achhe bana ke dal diye taki apne coaching ki publicity karne ke liye. Nahi, main aisa nahi karunga kyunki jo mera main motto bahut sare paise kamana nahi hai. मेरा बहुत बस मेन मोटो यही है कि हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स लोग पीएससी हो जाते हैं, आईआईटी जाते हैं और लास्ट 5-6 सालों से ये हो रहा है तो मुझे उस चीज़ को खुशी मिलती है और इसीलिए ये उसी का एक इनिशिएटिव है. इस साल मैं तो उन स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे 2-3 ऐसे मैसेज किए कि मुझे एकदम इतना ऐसा फील हुआ कि नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए और अच्छा करना चाहिए, शायद क्लासरूम से बाहर आके अपनी आवाज़ को स्टूडेंट तक पहुँचाना चाहिए. तो उसी की वजह से ये मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है जो कि जिसका नाम है गेट केमिकल इंजीनियरिंग बाय गामा सर. इस पर टाइम टू टाइम तुम्हें वीडियो अपडेट होती रहेगी क्योंकि मेन प्रॉब्लम केमिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के साथ एक यही है कि लोग केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को चलाते हैं कि चलो यार इससे कुछ पैसे कमा लेते हैं, 2-3, 3-4 सब्जेक्ट मैकेनिकल के साथ करा दिए, 1-2 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ईसी के साथ करा दिया और बस केमिकल इंजीनियरिंग हो गई. वहाँ से कोई फैकल्टी बुला लेते हैं तो कभी केमिकल इंजीनियरिंग को समझते नहीं है. दूसरा मेन कारण ये है कि बहुत सारी कोचिंग जो चलाई जा रही है वो मैनेजमेंट के द्वारा चलाई जाती है. अब जो कभी खुद फैकल्टी नहीं है तो वो कभी इस बात को समझ ही नहीं सकता कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए क्योंकि वो सब लोग एक उनका माइंडसेट है, कोचिंग चलाने का माइंडसेट है एक लाइक ए मनी मशीन टाइप से कि हमें बहुत सारे पैसे छापने हैं ना कि हमें बहुत सारा करियर, क्योंकि उन्हें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ और आज लाइव भी आके यही बात बोल रहा हूँ कि क्लास में हो सकता है तुम किसी के लिए 200, 300, 400 लेकिन मैं हमेशा हर स्टूडेंट की मेरे लिए वैल्यू होती है क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को ऐसे ही अज्यूम करता हूँ जैसे मेरी वैल्यू मेरे घर में है. मैंने कुछ अच्छा किया तो फैमिली का कुछ अच्छा होगा हुआ, तुम कुछ अच्छा करोगे तो तब जाके फैमिली का कुछ अच्छा होगा ना. तुम्हारे एक फ्रेंड का किसी का बहुत अच्छा हो गया तो उसका क्या तुम्हें कोई बेनिफिट मिला? तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला. तो मेरे लिए हर इंडिविजुअल बच्चा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर साल जैसे मैंने भोपाल में कोचिंग खोली थी लास्ट ईयर तो भोपाल का यहाँ बड़ा एक गंदा सा रिकॉर्ड था कि हर साल यहाँ अभी तक 5 कोचिंग बंद हो चुकी, मतलब हर साल केमिकल चलाते हैं शुरू में कुछ कुछ सिलेबस, कुछ पैसे लेके भाग जाते हैं, 2-3 इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, कुछ शुरू में चलाते हैं इसी वालों के साथ क्लास लगवा देते हैं तो बच्चों को ऐसे ही छलने का काम इन कोचिंगों के द्वारा किया जा रहा है और बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड लेकिन एक इंसान होने के नाते एक कोई भी हम बाद में कोई प्रोफेशन उससे पहले हमें एक इंसान है कि जो भी काम हम कर रहे हैं अगर हम उसमें सेटिस्फेक्शन हम नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. और मेरा मेन मोटो और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बात समझाता हूँ कि हम लाइफ में कुछ भी बने उससे पहले हम लोग एक अच्छे इंसान बने कि हम अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हम लोग हेल्प कर पाए. और इसी के कारण मैं लगातार लगा रहता हूँ और आज एक स्टूडेंट जैसी लाइफ ही जीता हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पर डे मेरी क्लास रहती है, साल में 2-2000 घंटे में शेड्यूल लेता हूँ सिर्फ इसलिए कि अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट हो पाए. अब मटेरियल की बात, स्टूडेंट जितने भी मार्केट में कोचिंग है सबका मटेरियल इधर उधर से कस्ट कॉपी पेस्ट है. लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप अपनी टेस्ट सीरीज लेके आइए, कोचिंग मटेरियल लेके आइए, तो मैं उस पर धीरे धीरे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ अपना मार्केट में लेके आऊँ, आज तक आप सब लोगों के बीच में मैंने विल पावर बनाई है, आप सब लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा स्टडी मटेरियल आए वो मार्केट का सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल एंड सबसे अप टू डेट मटेरियल हो. जो हमारी अभी एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि अभी कुछ ही दिनों में मेरी एक सोल्ड एग्जांपल्स की बुक आ रही है या प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो 100% एरर फ्री हो. हर कोचिंग की पब्लिकेशन में बहुत सारे एरर्स हैं कि जो कि बहुत सारे एरर्स है. स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो बहुत सारी क्लास में मैं रेक्टिफाई करा देता हूँ, किसी पब्लिकेशन में सीआरई में 10 क्वेश्चन गलत है, किसी में कोई मास ट्रांसफर के क्वेश्चन गलत कर दिया, अलग अलग तरीके से वो है. तो उसके लिए मैं एक इंटरनेशनल एडिशन के साथ जुड़ा हूँ अभी, तो उसके साथ मेरी बुक आ जाएगी तो शायद आप लोगों के लिए. फिर स्टडी मटेरियल के लिए मैं अभी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आज तक मैंने हमेशा बेस्ट दिया है, मैं हमेशा जो भी तुम्हें दूँ हमेशा वो बेस्ट दूँ और ये मेरा आपसे हमेशा प्रॉमिस रहता है एंड इट विल कंटिन्यू. जब तक मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ जब तक, और मैं हमेशा करूँगा बिल्कुल इसी डेडिकेशन के साथ चीज़ों के साथ. जब टेस्ट सीरीज लेके आएंगे तो शायद वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी और एकदम ऑप्टिमम, क्योंकि मेरा मेन वी आर इंजीनियर्स एंड अवर मेन वर्क इज टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स. मेरा हमेशा एक यही फंडा रहता है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन एट लोएस्ट प्राइस, कि जितने एक क्वालिटी से क्वालिटी एजुकेशन हम लोग कम से कम प्राइस पे दे सकते हैं, एक बैच लिमिटेड हो. मैंने यहाँ पे यही रखता है. इस साल मेरे पास कुछ बच्चे उड़ीसा से आए, कुछ बच्चे MP से बाहर से आए, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से आए, अलग अलग बच्चे स्टेट्स के बच्चे आए,
तो मैं हमेशा वही चीज करता हूँ, अभी तक हम लोगों ने शायद कोई मार्केटिंग भी नहीं किया, मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट को एक सिस्टम बनाए, उसके साथ हम लोग बच्चों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराए इन सारे। और मेहनत को भी देख के बड़ा आश्चर्य होता हूँ कि कुछ कोचिंगों में 3-4 सब्जेक्ट मैकेनिकल वाले के साथ मैकेनिकल वाले केमिकल वालों को पढ़ा रहे हैं यार। केमिकल वालों को कोई सोचता ही नहीं है कि इनका भी कोई ये है, वो सोचते हैं कि, और केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग में लोग बोलते हैं कि यार 20,000 ही तो लोग बैठते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी भी शहर में जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो किन कॉलेजेस में है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, IITs में, NITs में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन जो कंपटीशन तुम्हारा है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में है, क्योंकि आज तक कभी किसी ब्रांच की 40 नंबर कट ऑफ नहीं जाती, 44 नंबर, लेकिन केमिकल की 2016 में देखो 2017 में 44 नंबर कट ऑफ थी। तो ये एक मतलब कॉम्पिटिशन हाई है। और सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है, हमें उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करना है, और ये कोचिंगों से भटकने नहीं है हमें, क्लियर है, क्योंकि आज के टाइम में एक सही गाइडेंस मिलना मतलब बहुत ही जरूरी है। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि कम फीस के चक्कर में या फिर इधर बहुत ही लोग को लेवल पता लगे, जो बच्चे वहां से ही किसी कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं उन्हीं को बुला के सब्जेक्ट करा दिया, क्योंकि उनका मेन मोटो तो पढ़ाना है ही नहीं ना, उन लोगों का मेन मोटो है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम यू। और हम यार आप एक चीज बताइए, जब हम लोगों की फीस जमा होती है पेरेंट्स कैसे कैसे मैनेज करते हैं, तो इन सारी चीजों को लेके हम लोगों ने एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और आज तक जितना तो सपोर्ट तो मुझे मिला है, मैं तो आप सब लोगों का थैंक यू और भगवान का थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि टीचिंग मुझे नहीं पता कि टीचिंग को मैंने चुना है, मैंने टीचिंग को चुना है क्योंकि मैं पैशनेट होके एक पढ़ाता हूँ क्लास में, 10-10 घंटे क्लास हो जाती है, 2-5 घंटे पता ही नहीं चलता टाइम का। हर साल कंसेक्यूटिव वे में हम लोगों ने रिजल्ट्स दिया है, जिस ब्रांच में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से ही हमारे पास हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और ये सिर्फ एक मेहनत का परिणाम है, क्योंकि हम दोनों इट इज़ ए कम्बाइंड एफर्ट, एक सही गाइडेंस, सही नोट्स मिलना, फिर उसे वो करना। और आप सब लोग फेसबुक पेज पे मेरे जो चौधरी गौरव मलिक के नाम से फेसबुक के पेज है उस पे तुम नोट्स इतने शेयर करते रहते हो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करते रहते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वी आर एबल टू सर्व सोसाइटी इन ए बेटर वे। और एजुकेशन से अच्छा चेंज कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि हर साल इतने सारे लोग PSUs में जाते हैं, इतने सारे लोग IITs जाते हैं, तो उसकी जो एक खुशी मिलती है तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। जब वो बच्चा मुझे जाके बोलता है कि सर आई एम इन दिस IIT, आई एम इन दिस PSU, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी, इस बार भी अंडर 100 में मोर देन 19 स्टूडेंट, अंडर 200 में मोर देन 47 स्टूडेंट्स है, तो एक कंबाइंड एफर्ट है जिससे धीरे धीरे करके चीज़ें हुई है। यहाँ पे भी हम लोगों ने भोपाल में छोटा बैच रखते हैं, जिससे हमारे पास सक्सेस रेशियो जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेशियो है, क्योंकि हम लोग फाइनल ईयर के बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो फाइनल ईयर का बच्चा आके उसके पास सेमेस्टर भी होते हैं, हम उसे मैनेज कराते हैं, और हम कभी भी यहाँ 12-15-10-8-10 घंटे क्लास नहीं देते, 3-6 घंटे की हम क्लास रखते हैं, जिससे बच्चों को एक सिस्टमेटिक वे से, क्योंकि कई बार क्या होता है खाना बहुत अच्छा है लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया और वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, तो उसका फिर कोई मीनिंग नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ रेगुलर 5-6 महीने लोग 3 महीने में सिलेबस खत्म करा देते हैं, क्योंकि उन्हें फिर दूसरा बैच लॉन्च करना है, मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2 ही बैच पढ़ाता हूँ, और 2 बैच में हम लोग यहाँ पे उसका सिलेबस ही हम 2 बार कराते हैं, कि जिस बच्चे ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, हम उसका ट्रस्ट नहीं तोड़े और उसके साथ हम लोग मेंटेन करें, क्योंकि फैकल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि कंबाइंड एफर्ट है, एक अकेला फैकल्टी कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ये दोनों एक अच्छी बॉन्डिंग होती है तो उसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और वही मुझे देखने को मिलता है कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं अलग अलग टाइप से, और ये जो मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ये जो मैंने एक छोटा सा एक सेटअप किया है, इससे तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हमें बस मेन चीज़ है कि डेविएट नहीं होना है, क्योंकि कोचिंगें मार्केट में आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन बच्चों का कैरियर कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, बच्चों को हमेशा क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोचिंगें आती रहेगी यार, जाती रहेगी, लेकिन अपना कैरियर एक ही बार आता है और हमें उसे गलत हाथों में नहीं देना है, हमें अपने कैरियर को सेफ हैंड्स में नहीं देना है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए मैनेजर कोचिंग एंड ए फैकल्टी कोचिंग, क्लियर है। तो अगर कोचिंग एक मतलब एक टीचिंग एक बहुत ही पवित्र प्रोफेशन है, लेकिन लोगों ने इसे एक अलग टाइप से ले लिया है, एक अलग टाइप से कर रहे, तो अब मेरा मेन मोटो वही है कि जो इस टाइप के मार्केट में लोग ये सब फैलाते हैं कि गेट बहुत टफ है, एक्चुअली गेट इजी एग्जाम है, क्लियर, ये बातें मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विदाउट एनी कोचिंग, तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें कैसे, या फिर कई बार तुम रह जाते हो तो हम लोग एक अच्छी रैंक कैसे लेके आ सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है।
और धीरे धीरे मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी, फिर इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में लेके आऊंगा, उसके बाद गेट के लिए कैसे पढ़े, उसके बाद गेट 19 वालों के लिए कैसे 2 महीने में सिलेबस खत्म करें, फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो हर सब्जेक्ट के टफ टफ टॉपिक्स है मैं वो कवर करूंगा मोस्टली अपनी क्लास यहाँ पे इधर ऑनलाइन सेशंस में। तो तुम लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एंड इट्स माई बिलीफ, इट्स माई कॉन्फिडेंस दैट बिकॉज आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। मुझे सब्जेक्ट्स में टाइम लगता है क्योंकि हम लोग सीआरई में ऑक्टेव लेवल फाइल पूरी क्लास में सोल्व करा देते हैं, 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराते हैं। बहुत सारी कोचिंगों में तो 20-25-30 घंटे में सीआरई हो जाती है, हमारे मास पढ़ाने में 75 घंटे लगते हैं, और हमारी जो टीम है और हम जो लोग रहते हैं हम अच्छे से पूरा काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो मैथ हो, चाहे एफटी हो, चाहे केमिकल टेक्नोलॉजी हो, प्रोसेस, हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और पूरा 500 घंटे स्टूडेंट्स को देते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को, और उसके बाद हर सब्जेक्ट के बाद सेक्शनल टेस्ट ताकि हम लोग उसकी परफॉर्मेंस देख सके। मैं यहाँ खुद अवेलेबल रहता हूँ बच्चों के डाउट्स के लिए, क्योंकि कोई भी कोचिंग बाहर से फैकल्टी हायर करती है, 2 दिन के लिए आता है चला जाता है, उसके बाद वो आराम से एज ए, वो टीचिंग को एज ए करियर नहीं है उसका, टीचिंग उसका एज ए पार्ट टाइम है कि पार्ट टाइम में कैसे पैसे बना लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी टाइप के टीचर मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे बहुत ही कम टीचर है जो टीचिंग के लिए डेडिकेटेड है, अपना करियर पूरा टीचिंग को दे रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग इधर उधर जॉब कर रहे हैं, अच्छा यार वीकेंड में तो कुछ कमा लेते हैं, चलो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो बड़ा ही एकदम अलग टाइप का सिनारियो है, क्लियर है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यार मुझे टीचिंग, आप लोगों ने, टीचिंग ने हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और इसीलिए मैं एक, मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ऑनलाइन आने का ही मतलब यही है कि उन लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ कि जो लोग रियली में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ईच एंड एवरी मैनर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इसके कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, किसी सब्जेक्ट से आपको नोट्स चाहिए उसके कमेंट सेक्शन में डालिए, तो आराम से मैं आपकी हेल्प करूँगा हर तरीके से, और चीज़ें धीरे धीरे करके बदल जाएगी, बिलीव मी। हर चीज़, कुछ भी असंभव नहीं है, आराम से बस आप एक सपना देखिए गेट में 2, 4, 10, 50 रैंक लाने का, उसके लिए मेहनत करिए, और उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करूँगा ऑटोमेटिकली, आप लोगों की ये बहुत अच्छी रैंक आएगी। और आप कहीं भी एडमिशन लें कोचिंग में तो अपने सीनियर से बात करिए कि यार आपके साथ वहाँ क्या हुआ था, आपका क्यों था, कुछ लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, यहाँ भोपाल में तो मैंने देखा 4-5 कोचिंग बंद हो चुकी यार एक साल में, फिर वो शुरू में कम उस पे बच्चों को ये कर देते हैं, और मुझे समझ नहीं आता बच्चों आज के टाइम में ये कि आप दो एक अपने फ्रेंड को लेके आइए एक को हम फ्री पढ़ाएंगे, इसे यार एक कोचिंग एक कोई सब्जी मंडी नहीं होती यार, कि आराम से कुछ भी बच्चे लोगों को सेल कर रहे हैं, कि लोग मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, क्लियर है। तो आपको अगर ऐसी कोचिंग, कोई अगर कोचिंग है आपको ऐसा कुछ वो करे तो आपको खुद ही सचेत होना चाहिए कि यार जो कोचिंग आज ये करिए कि हम तुम 2 को लेके आओ 4 को लेके आओ, इसका मतलब वो लोग कोचिंग वाले कौन लोग हुए, वो अपना बिजनेसमैन है, वो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तुम्हें मोहरा बना के कि 4 लोगों को पकड़ लो, ये कर लो 2 से 10, यार ये कोई चैन मार्केटिंग नहीं है, एक करियर है। तो करियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज आज आप 20-21 साल के हो, कोई भी डिसीजन है तो आपका 2-4 साल लाइफ को अफेक्ट करेगा, लेकिन आपका करियर आगे 35 ईयर्स का है, तो 35 ईयर के करियर के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आराम से हमेशा सही चुने, बेस्ट चुने, कि जहाँ हर साल तुम्हारा भरोसा बनाया हुआ हो, अभी बुक आएगी उसके बाद स्टडी मटेरियल आएगा, और सर्टेनली फिर भी अगर तुम्हें उसमें कभी रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नो वन ऑफ अस इज परफेक्ट वन, आप हमेशा अपने कमेंट्स दीजिए मुझे, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उसे हमेशा रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी हर चीज़ मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बस आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सीइंग, थैंक यू वेरी मच।